नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टर को मुफ्त में चीजें देना कानून में स्पष्ट तौर पर प्रतिबंधित है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने एपेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है। इसमें कंपनी ने डॉक्टरों को मुफ्त में चीजें देने पर हुए खर्च पर आयकर अधिनियम के तहत कर कटौती की मांग की थी। यूक्रेन में पल पल बदलते हालात और गहराते तनाव के बीच 242 भारतीय दिल्ली लौट आए हैं। इनमें अधिकांश यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं हैं। अपनी मिट्टी में आकर यहां भारतीय छात्रों ने राहत की सांस ली है। वहीं उनके घर वालों के लिए भी ये बड़ा भावनात्मक संबल है, जो यूक्रेन पर रूस और अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो के बीच बढ़ते तनाव से अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय बजट 2022 के क्रियान्वयन को लेकर एक वेबिनार को संबोधित करते देखे गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि कार्यक्रम का थीम लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड होगा। रूस और यूक्रेन के बीच बने युद्ध जैसे हालात को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं कई देश तटस्थ हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में भारत ने तटस्थ रवैया अपनाया था और ये कहा था कि विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। फिनलैंड स्कीयर रेमी लिंडहोम की बीजिंग खेलों में 50 किलोमीटर की मास स्टार्ट इवेंट के दौड़ते समय काफी असहजता का सामना करना पड़ा। हालांकि दौड़ को 30 किलोमीटर तक छोटा कर दिया गया था। ठंड के कारण हाल बहुत ही खराब था। शरीर का एक संवेदनशील हिस्सा भी जम गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क गणराज्य के क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के आदेश पर सोमवार को हस्ताक्षर कर दिया था, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और मॉस्को के यूक्रेन पर आक्रमण करने की आशंका बढ़ गई। पुतिन ने इस इलाके में रूसी सैनिकों को जाने का आदेश भी दे दिया है। पश्चिम देश की चेतावनी के बावजूद की गई इस कदम से रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। देश में स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल बन गया है। सरकार की तरफ से इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यही वजह है कि भारत में स्टार्टअप कंपनियों की संख्या हर साल 10% की दर से बढ़ रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैसकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव मल्होत्रा ने कहा है कि ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियां एप्लीकेशन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने की चर्चा को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने इस खबर को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा तो कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचते भी नहीं है। पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। यह अभियान 22 फरवरी भागलपुर से शुरू हुआ। इस अभियान के तहत सीएम नीतीश आज जमुई में थे। कार्यक्रम के दौरान जमुई के अलावा शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर के जनप्रतिनिधियों के साथ वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने पति करण सिंह ग्रोवर का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। एक्ट्रेस ने करण सिंह ग्रोवर के बर्थडे पार्टी की झलक इंस्टाग्राम पर दिखाई है। बीती रात ही बिपाशा बसु ने करण को सरप्राइज पार्टी दी और इस दौरान करण बिपाशा के करीबी दोस्त भी इस जश्न में शामिल हुए। बिपाशा के सरप्राइज को देखकर करण सिंह ग्रोवर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। विधानसभा चुनाव के प्रचारों पर मंगलवार को बड़ी ढील दी गई। चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों पर 50% की सीमा भी अब हटा दी है। राजनीतिक दलों उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो पर अब 50% से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। बुधवार को प्राथमिक स्कूल के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना सहित लगभग 30 जिले केवल एक ही दिन में सभी नियुक्ति पत्र बांटने का काम करते देखे गए। वहीं करीब 8 जिले ऐसे रहे जहां पर नियुक्ति पत्र बांटना 3 दिनों का स्केड्यूल इसके लिए जारी किया गया है। हिजाब विवाद पर विवादित ट्वीट के चलते फिल्म अभिनेता और मानवाधिकार एक्टिविस्ट चेतन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेतन कुमार ने कर्नाटक में चल रहे मौजूदा हिजाब विवाद और जस्टिस कृष्णा दीक्षित को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। भाजपा सांसद वरुण गांधी केंद्र सरकार को लेकर दिए गए बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। वो ट्विटर पर आए दिन केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। इसी क्रम में वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने बैंकों और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ चिंता व्यक्त की और कहा है कि इससे बड़ी संख्या में नौकरियों का नुकसान होगा। यूक्रेन रूस के युद्ध संकट के बीच यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्र मंगलवार रात देश वापसी पर लौट आए हैं। एयर इंडिया की विशेष विमान 242 भारतीय छात्रों को 11:40 पर दिल्ली हवाई अड्डे पर लेकर पहुंचे। विमान को 10:15 पर पहुंचना था, लेकिन देरी की वजह से वो लगभग 12 बजे दिल्ली लैंड करती देखी गई।
चीन ने वादा किया है कि जल्द ही भारतीय छात्रों की वापसी का रास्ता खोलेगा। करीब दो वर्षों से 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्र कोविड प्रतिबंधों की वजह से घर बैठे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय दूतावास से कहा है कि भारतीय छात्रों की वापसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि पढ़ाई पूरी तरह से गैर राजनीतिक मुद्दा है। कोरोना वायरस के 15,102 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए लोगों की संख्या 31,377 हो गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,64,522 हो गई है, जो कि अब तक दर्ज किए गए कुल मामलों का 0.38% है। एक दिन पहले तक सक्रिय मामलों की संख्या 1,81,075 थी। इस दौरान भारत देश में कुल 4,21,89,887 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। ओलाफ शोल्जे को सत्ता संभाले अभी 3 महीने भी नहीं हुआ है। उन्होंने चीन की पनडुब्बियों पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल चीन के पास इस समय 79 पनडुब्बियां हैं और वो दुनिया में सबसे ज्यादा पनडुब्बियां रखने वाला देश बन गया है। यही नहीं, चीन की नौसेना पिछले 20 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है, जिसके पास सबसे ज्यादा युद्धपोत और फ्रिगेट है। चीन की पनडुब्बियों में जर्मन इंजन और दूसरे महत्वपूर्ण कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और डिवाइसेस लगते हैं, लेकिन अब जर्मनी ने चीन को पनडुब्बियों के लिए इंजन देने से मना कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। यदि रूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक किया जाता है तो बाइडेन प्रशासन की तरफ से टेक प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर रोक लगाई जा सकती है। कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की सप्लाई से प्रभावित हो सकती है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि अमेरिका की तरफ से उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर रोक लगाई जा सकती है जिनके एक्सपोर्ट के लिए कंपनियों को अमेरिकी सरकार से मंजूरी लेनी होती है। रूस और यूक्रेन का विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां से रूस पीछे नहीं हट सकता। वहीं यदि यूक्रेन नहीं माना तो खुद को इस आग में झोंक कर वो अपना ही नुकसान कर देगा। रूस को भले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बार बार चेतावनी भरे स्वर सुनाई दे रहे हो या फिर उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की आवाज उठ रही हो, लेकिन ये सभी बातें रूस को न के ही बराबर नुकसान पहुंचा सकती है। रूस यूक्रेन विवाद अब युद्ध तक पहुंच गया है। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के चलते जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़े ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाते हुए कहा है कि जर्मनी सरकार यूक्रेन में मॉस्को को कार्रवाई के जवाब में यह कदम उठा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का BA.2 संस्करण मूल स्ट्रेन से ज्यादा गंभीर नहीं है। अलग अलग देश के लोगों के लिए लिए गए नमूनों के आधार पर WHO के एक वरिष्ठ अधिकारी मारिया वॉन केरखोव ने एक ऑनलाइन प्रश्न और उत्तर के सत्र में कहा है कि अगर BA.2 की तुलना BA.1 से की जाए तो हमें इसकी गंभीरता में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। उन्होंने आगे बताया है कि तो इस दोनों स्ट्रेन में गंभीरता का स्तर एक समान है, क्योंकि यह अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम से संबंधित है। आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर से बढ़ती महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। रसोई गैस के उपभोक्ताओं की जेब पर इसका असर देखा जा सकता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें पहले से ही आपके घर के बजट पर असर डाल रही है। वैश्विक स्तर पर गैस की किल्लत के चलते अप्रैल में पका हुआ और खाना और महंगा हो सकता है। ईरानी राष्ट्रपति की वेबसाइट के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अन्य देश के तेल और गैस उद्योग के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के एकतरफा क्रूर प्रतिबंधों को विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया है। रायसी ने मंगलवार को दोहा में 11 सदस्यीय गैस निर्यातक देश के फोरम के 6वें शिखर सम्मेलन में कहा था कि प्रतिबंधों के माध्यम से अन्य स्वतंत्र राज्यों पर आधिपत्य और मांगों को थोपना आज की दुनिया में एक प्रभावी रणनीति नहीं है, क्योंकि ये JECF सदस्यों को खतरे में डालता है। बिहार के बिजली उपभोक्ता बिल का इंतजार करने और जमा करने के लिए काउंटर पर घंटों अपनी बारी का इंतजार करने की जहमत से मुक्त होने वाले हैं। इसमें उनको अधिक फायदा है तो थोड़ा घाटा भी है। घाटा यह है कि अब बिजली का इस्तेमाल बाद में करना होगा और बिल पहले जमा करना होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर बिजली कंपनी ये काम शुरू कर चुकी है। इससे बिजली कंपनी को इतना अधिक फायदा हुआ है कि इसे जल्दी से जल्दी पूरे राज्य में फैला देने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्णिया से हाजी अब्दुल सुबहान को टिकट दिया है। इस पर बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपनी पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि धन्यवाद तेजस्वी यादव जी, उनके बयान के बाद ही राजद ने कम से कम एक और मुसलमान को तो MLC का टिकट दिया। बिहार राज्य में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के तहत औरंगाबाद, बांका और गया जिले में करीब 189.20 किलोमीटर लंबाई में 11 सड़कों और करीब 149.40 मीटर लंबाई में एक छोटे पुल का निर्माण होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 265,36,16,000 रुपए की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के तहत सुबह से मतदान देखने को मिला। इस दौरान मतदानकर्ता भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। कई सेंटर पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया गया। ऑल इंडिया लिमिटेड ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए मैनेजर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर समेत कई अन्य रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी 2022 से ही शुरू हो चुकी है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मुन्ना कुमार, शंकर राव, उमा शंकर, सत्य प्रकाश कुमार, प्रजापति, ललन कुमार, नीतीश कुमार, सुजीत कुमार, शाहिद कमल, परवेज आलम, कन्हैया सिंह, नुनू कुमार, रामानंद कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम का अब तक का सबसे सफल कप्तान कौन रहा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।